जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु जी ने जब मनुष्य रूप में थे तो गुरु जी के मुख से हम लोगों ने सुना था, पहले भी मैं, अब भी मैं, बाद में भी मैं, तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति हम लोगों के बीच में आए और हमको इस लायक समझा कि हम लोग उनके दर्शन कर पाए। और उन्होंने आवाज देकर बुलाया और आप लोग भी सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो अब जुड़ रहे हैं। करोड़ों में हम जुड़ रहे हैं इस वक्त, और उस समय सैकड़ों में थे एक टाइम में जब गुरु जी का दरबार लगता था तो बहुत थोड़ी सी संगत होती थी। तो तब एक हम लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था वो, कि एक मनुष्य को भगवान मानना। पहले तो उनको कुछ मानना कि उनमें कुछ शक्तियां हैं, वो कौन हैं, क्या हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में चलते थे। और फिर गुरुजी ने जो बोलना, फिर उसको हम लोग कई बार नहीं मान पाते थे। और जब नहीं मान पाते थे तो आज हमको समझ आती है कि कितना बड़ा हम लोगों ने अपना नुकसान किया। और जब गुरुजी ने बोला कि मेनू मन्नो मंगो नहीं, तो भी बहुत बड़ा नुकसान किया। कई बार हम अनजाने में बहुत गलत पैनिक हो जाते हैं, चाहे गुरुजी गद्दी पर थे तब भी और आज हम सब उनके बीच में हैं तब भी, और बस हम गुरुजी को विवश कर देते थे कि गुरुजी नहीं, बस ये कर दो, कैसे भी कर दो, मन ही मन गुरु जी को अरदास करते थे। ऐसे ही दो गलती मैंने करी है अपनी लाइफ में और उसको आज मैं बहुत ही बुरी तरह से पछता रही हूँ कि मैंने ये चीज क्यों की, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो गुरु जी जानते हैं। और अब इतना सिंपल है चीजें कि आप लोगों को इस लाइक रेडीमेड आपको एक गोल्डन प्लेटर मिला हुआ है रैलिश करने के लिए। इट्स सो सिंपल, लाइक जो हम लोगों ने गलत किया, जो हम लोगों ने उनको नहीं पहचाना और उनके कुछ चीजों को नहीं माना और जिद की, तो उसका हम आपको सत्संग शेयर कर सकते हैं। और ये आप लोगों की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि से उस दिन सत्संग था। आजकल ऑस्ट्रेलिया में सत्संग शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन खुल गया, काफी सत्संग होते हैं, तो वहां पर भी कि क्वेश्चन आते हैं बहुत लोगों के कि आंटी सरेंडर क्या होता है। सरेंडर तो अब बहुत इजी हो गया सबके लिए। इट्स लाइक आपके मन में क्या है, आपको क्या चाहिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट यू वांट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, गुरु जी कहा करते थे, व्हाट यू नीड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपकी जरूरत क्या है। तो हमारे अंदर जो चल रहा है वो अंतर्यामी ईश्वर है, सब जानते हैं। और अगर हम मुंह ना खोलें, उनको ना बोलें कि गुरुजी ऐसा कर दो, और जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है वो सब जानते हैं। और आप बस सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो, बड़ा सिंपल हो गया कि उनके ऊपर छोड़ दो, बस गुरुजी आपके ऊपर, और आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे हमारे लिए, तो दैट्स सो इजी। और दूसरा एक चीज ये आती है कि सेवा, कि सेवा क्या है, पाठ क्या है, तपस्या क्या है, इसको लेकर भी काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जो हमको भी आए थे। इट्स लाइक हम कोई स्पेशल नहीं है, हम लोग तो अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे सारी उम्र, जितनी भी गुरुजी ने सांसें बख्शी हैं। तो लाइक पहले भी हम लोग जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी सत्संग 2003 से आज 19-20 साल होने वाले हैं और चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक गुरुजी ने श्वासें दी हैं। गुरुजी का आदेश है कि मेरा सत्संग करते जाना है, और गुरुजी इतना हिम्मत दे रहे हैं कि उसको मैं कर पा रही हूँ। सॉरी मैं थोड़ी ट्रैवलिंग में भी हूँ और आवाज ठीक आ रही है मेरी, सॉरी मैं उनका बता दूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग में है हम लोग। तो गुरुजी का इट्स लाइक हम लोग बैठ के, कि मेरे को बहुत क्वेश्चंस थे कि सेवा, पाठ, तपस्या, ये सब क्या होता है, क्योंकि हम तो कुछ
जानते नहीं थे। एक दिन अर्जुन अंकल, गायत्री आंटी, ये बहुत रेगुलर थे हम लोग, बहुत सारे अंकल, सो मैनी पीपल यूज टू कम, बाबा, योगेश, और भी बहुत लोग आते जाते रहते थे, और हम लोग बैठ के गुरुजी की बातें करते थे। ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा प्रसाद था हम लोगों के लिए कि वो टाइम गुरुजी ने जोड़ के रखा और अच्छी तरह सोच की तरफ लगाए रखा। उसमें बच्चे भी जुड़े, सबके बच्चे जुड़े, आज सबके बच्चे वहां जुड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे थे सब। आज इतनी पेरेंट्स टेंशन फ्री हैं कि गुरुजी के साथ बच्चे चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और कोई टाइम स्ट्रेस ही नहीं है किसी को भी। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं आज की डेट में मानती हूँ कि गुरुजी जो है ने ये दिया हम लोगों को, बहुत बड़ा गिफ्ट। क्योंकि आज का माहौल इतना खराब है, जैसे बहुत सुनने को मिलता है, दिखता है क्या क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में, और गुरुजी ने ये अपने साथ जोड़ के बच्चों को एक दिशा दे दी उनको, बच्चों को। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सेवा पाठ ये सब चीजें, कि ये सब तो होता ही नहीं हम लोगों से। सेवा क्या है? सेवा कोई हम गुरुजी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये गुरुजी का परोपकार है मेरे ऊपर। ये गुरुजी मुझे एक, ये कोई सेवा नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं लाइक उसके पीछे हमारा होता है कि हम कर रहे हैं, हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं, हम गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्वेश्चंस आंसर चलते रहे, तो फाइनली ये हुआ कि अपने भगवान से कनेक्शन जोड़ना, जिसको भी आप गॉड मानते हो उससे कनेक्शन लगाना और उनके बारे में सोचना में ही सब कुछ आ जाता है। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, अभी शब्द कीर्तन चले थे, मैं नहीं सुन पाई। इट्स लाइक उस टाइम पे गुरुजी का जो वक्त के शब्द चलते हैं, जो गुरुजी ने सिलेक्ट किए हैं विद सिलेक्टिव रागीज, तो उसमें हम लोग घूम जाते हैं, उसमें हम लोग गुरुजी का वक्त ढूंढने लगते हैं, तो एक कनेक्शन जुड़ जाता है। गुरुजी ने इतना सिंपल बताया है कि लाइक तुमको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई व्रत रखने नहीं है। गुरुजी ने नहीं बोले किसी को भी रखने को, कोई विरले को बोला होगा और कुछ टेस्ट होगा, कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मेरे आगे गुरुजी ने फ्राइडे को एक आंटी आई हुई थी और फ्राइडे का व्रत रखती थी और उन्होंने लंगर नहीं लिया। गुरुजी को तो सब मालूम होता था, तो गुरुजी ने उसको पूछा, आंटी लंगर खा लिया? कह दिया हाँ। कह दे कितने बैठ के खाया? तो चलो नहीं खाया, लगाओ थाली, व्रत रख के आई है तू, चलो सिंगला अंकल लंगर दी, थाली लगाओ। आंटी ने लंगर नहीं खाया, तो लाइक गुरुजी ने ये दिया खाली, एक सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करो, और सिंपल सा एक मंत्र जाप दिया गुरुजी ने, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इससे बस कनेक्ट करना अपने भगवान को, और यू विल गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग। जो मेरा मेरी लाइफ के जो सत्संग हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप बैठ के ये एक कोने में बैठ जाओ और गुप्त रूप से कर लो, कैसे भी कर लो, लाइक आप ये मंत्र जाप करने लगोगे, कनेक्शन बिठा लोगे, तो चीजें बहुत सॉर्ट होगी। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। तो और इसका एक सत्संग भी है गुरुजी के टाइम का, बहुत ही अमेजिंग सत्संग है। तो ऐसे मैं उस दिन मंडे था और मैं अपनी फिजियो के लिए जाती थी, मेरा फ्रोजन शोल्डर था। उसका भी एक बड़ा लंबा सा सत्संग है, मैं उसको शॉर्ट में सुनाऊंगी। कि तब हम लोगों के दिमाग में ये होता था कि ऐसे पता चला किसी संगत से कि गुरुजी DLF आते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसे था लाइक वी वर वेरी यंग ऑल्सो दैट टाइम, और एकदम ऐसे लगता था हे गुरुजी DLF आते हैं और मुझे मालूम ही नहीं है गुरुजी कहाँ से आते हैं, कौन सी सड़क से आते हैं, काश मैं वहां सड़क पे खड़ी हो जाऊं, गुरुजी को आते जाते ही देखूं। ये भी गुरुजी का ही दिया हुआ था, और हालांकि हमको कुछ नहीं मालूम था उनके बारे में, वो क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है, वो दिखाते थे कुछ कुछ पर, लेकिन वो ही पॉजिटिविटी के साथ एक नेगेटिव फैक्टर भी खड़ा कर देते थे कि नहीं ये तो बहुत छोटी सी विद्या है, लाइक माई ब्रदर
बोलते थे मेरे को, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो कुछ भी वो दिखाते हैं, तुम उनको भगवान मान रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो सत्संग के साथ सत्संग चलेगा, मैं कहाँ से कहाँ गुरुजी घुमा देंगे मुझे नहीं मालूम। तो लाइक गुरुजी ने फिर मुझे वहीं पहुंचा दिया, मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया। और मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर बीला सेठी हैं, बहुत अच्छी मानी हुई फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पूरे एशिया की रिनाउंड डॉक्टर हैं, तो तुम वहां चले जाओ। और गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया हुआ था, गले में था और बिल्कुल सामने बड़ा प्रोमिनेंट सा वो पेंडेंट था और काफी बड़ा था, गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था। इसका भी एक सत्संग है। तो फिर मैं वो पहना होता था तो वहाँ उनके जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको पता चल गया कि ये गुरुजी को मानते हैं, और गुरुजी उसी क्लिनिक में जाते थे जो कि मुझे नहीं मालूम था। बट गुरुजी मेरे को इच्छा थी कि गुरुजी जी कहाँ जाते हैं, और बस उनको मैं उनकी कार को आते जाते देखूँ, तो गुरुजी ने मुझे उसी क्लिनिक में पहुंचा दिया। तो फिर उनके डॉक्टर्स ने डॉक्टर बेला सेठी को बोला हुआ कि ऐसे थे कोई आए हैं, उन्होंने गुरुजी का पेंडेंट पहना हुआ है। तो आंटी ने, डॉक्टर बेला सेठी ने मुझे, उनको आंटी ही बोलूंगी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बोला कि मैं आपको आधा घंटा वो खोलूंगी आपका शोल्डर, आधा घंटा जो भी उनका प्रोसीजर होता था कि मैं आपको मेरे पास आना होगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, पहले आपको जूनियर डॉक्टर देखेंगे फिर मैं देखूंगी आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां जाती थी और 3.5-4 किलोमीटर फेज 4 से फेज 1 मेघा मॉल जो है उसके अंदर जाके काफी, और भी नियरली 1 किलोमीटर उनका क्लिनिक होता था। तब मैंने उस दिन ये ठान लिया, लाइक हम सब ने मिलके जो भी अर्जुन अंकल ने ही ज्यादा बोला कि अपने भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, प्यार करो, उनको याद करो। तो मैं बस रास्ते में उनको याद करती गई और एक ही चीज आती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय करते हुए मैं वहां पहुंच गई। और वहां पर पहले जूनियर डॉक्टर्स ने देखा, फिर मुझे डॉक्टर बेला सेठी ने अपने पास बुलाया करते करते, और मैं अपना ट्रीटमेंट करा के, और मैं ध्यान गुरुजी की तरफ ही था जितना भी लग सका होगा। और मैं वापस आती हूँ क्योंकि आने के टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते थे और मैं इसी धुन में वापस चल के ही आ गई। और फोन का होश नहीं है, वहां साइलेंट पे कर दिया था कि मैं ऑन कर लूं, कुछ नहीं। फिर अंधेरा हो गया, उन दिनों DLF काफी सुनसान होता था। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा टेंशन में बाहर आ गए, पूछने लग गया तुम कहाँ रही ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं आ गई, मैं ठीक ठाक हूँ, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करके मैं अपनी सीढ़ियां चढ़ी हूँ, 8-10 सीढ़ियां फ्रंट में, और फिर हॉल क्रॉस किया। और मैं इन द मीन टाइम गुरुजी को ये कह रही हूँ कि गुरुजी आज मैंने आपको दिल से याद किया और आज मंडे है, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है और आप कहाँ हो? इस नॉन संगत डे मंडे, और मंडे को आप क्या करते हो? क्योंकि हम गुरुजी को वहाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे देखते थे गद्दी पे, और मंडे को हम लोग बड़े मंदिर जाते थे सुबह के टाइम, और गुरुजी मंडे को हम लोगों को नहीं मिलते थे। वो गुरुजी की हम मौज होती थी जो कभी मंडे को वहाँ बड़े मंदिर आ जाएं, बहुत रेयर होता था। तो मैंने कहा आज मंडे है गुरुजी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, और मैंने आज आपको इतना याद किया, और क्या मेरी आवाज आपके कानों की है? वो कह, अपने बेडरूम में जाती हूँ, ऐसे फोन बेड पे डाल देती हूँ, तो एकदम से जो है घंटी बजती है और मैं अपने हस्बैंड मेरे फोन कहती हूँ उठा लो आप, तो वहां गुरुजी फोन पे हैं। संगत जी ये कोई वो नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये साक्षात गुरुजी के साथ का, गुरुजी के वक्त का सत्संग है कि गुरुजी वहां पर फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आगरा में हूँ और मैं किसी के शोरूम की ओपनिंग कर रहा हूँ, और अपने सालेन उपोष के 10 की पेशावरी रेस्टोरेंट के थे, और मेरे कर्नाटक आवाज आ रही है 10 ध्यान। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी मैं साले को भेज देता हूँ, और कहने ना तू, मैं कहते अच्छा मैं पूछ के आपको इसी फोन पे फोन करता हूँ, कहते ना। सो गुरुजी ने एक इतनी सी उस पे कि कितना बड़ा गुरुजी ने मनुष्य रूप में जब वो हैं और आवाज वहां तक उनके पास गई और उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, और आप इमेजिन करो कि
गुरु जी किसी की शोरूम की ओपनिंग करने गए हैं, उसने क्या 56 पकवान नहीं बनाए होंगे? और आगरा में क्या उसको नहीं पता होगा कि पेशावरी रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा? और गुरु जी को तो खाना खाते देखा ही नहीं है हम लोगों ने, वो तो चखते थे। तो गुरु जी ने हर एक चीज का आंसर दिया, और इतना सा एक एफर्ट करने पर उन्होंने इतना कुछ हम लोगों को दे दिया, झोलियां भर दी। गुरु जी का फोन आना इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग, और गुरु जी तो कहीं से भी किसी भी नंबर से फोन कर सकते थे, और अगर आप उसको दोबारा मिलाओ उस फोन को, तो वो फोन होता ही नहीं था, वो नंबर होता ही नहीं था। ऐसे कि कई बार गुरु जी के फोन आए और हम नोट करते जाते थे डायरी में, फिर कई बार फोन करने की कोशिश भी करी तो वो फोन नंबर ही नहीं होता था। ये गुरु जी हैं, ये गुरु जी साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और हम लोगों को सबको ब्लेस करने, और इतना कुछ दे गए कि आगे वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां, अब तो सब कुछ है, सबको इतना कुछ मिल रहा है कि वर्ड्स ही नहीं है। तो ना तो कोई गुरुजी से पहले कोई आया, ना कोई आएगा, और ना आया था, ना था, ना आएगा। तो ये गुरुजी का वचन कि मैं ही हूं, और ऐसा गुरुजी ने नहीं बोला कि मेरा कोई वार है, बट गुरुजी की गद्दी पे कोई भी मत करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो साक्षात महाशिव इस धरती पर आए, तो गद्दी पर बैठने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ये गुरुजी हैं साक्षात ईश्वर रूप में, जैसे टाइम टू टाइम कहते हैं भगवान धरती पर आते हैं, और गुरुजी आए इस युग में और कुछ लोगों को दर्शन दिए और अपनी गाथाएं छोड़ गए, और जो लोगों को दिए भी लोग उनको नहीं समझ पाए। जैसे भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया और वहीं रोक दिया, ये उनकी लीला थी कि कब किसको क्या कराना है। तो गुरुजी के ऐसे कई सत्संग हैं, गुरुजी ने एक भरी दुनिया में टाइम रोक, सबके आगे लाइफ गुरुजी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी, और कर सकते हैं कुछ भी, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो और उनके उनको बस ध्यान में लो और कुछ नहीं करना, और ये नहीं करना ये हमारी सेवा ये ऐसे वैसे, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक सत्संग है, मीरा आंटी होते हैं गुड़गांव में, मीरा कपूर आंटी, तो जब गुरुजी जलंधर में होते थे तो ये एक दिन गुरुजी रात को हम लोगों को एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर ले गए थे, तो और बोला लगो मगरे, ऐसे कई बार ले गए थे गुरुजी। तो एक दिन ऐसा जो उसमें मीरा आंटी भी थी और मीरा कपूर आंटी, और उनको बोला कि जब हम लोग बड़े मंदिर में सब पहुंच गए बैठ गए, तो उनको खड़ा किया और बोला सत्संग शेयर करो, तो उन्होंने ये सत्संग शेयर किया था। तो मैंने गुरुजी के सामने उनका सत्संग सुना था, तो इसमें कई आंसर्स हैं, सबको मिल जाएंगे आंसर, क्योंकि वो अब सत्संग शेयर बहुत कम करती हैं आंटी, जब गुड़गांव सत्संग होते थे तो वहां भी करती थी शेयर, पर इन्होंने गुरुजी के साथ गुरुजी के आगे किया ये वाला, तो मैं आपको ये सत्संग बता रही हूँ, गुरुजी सुनवा रहे हैं। तो जलंधर में गुरुजी होते थे और आंटी कीर्ति नगर में रहते थे, इनकी जॉइंट फैमिली थी, तो इन लोगों ने अपने ही सबने रूम्स में छोटे छोटे दरबार बनाए हुए थे, तो मंदिर जैसे इसको मंदिर कह लो दरबार कह लो, तो वो सुबह उठ के कहती है मैं नहा के, और मैंने साथ में बॉटल्स रखी हुई थी ड्राई फ्रूट की, और मैं बैठ जाती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी आज पिस्ता खाओगे, बादाम खाओगे, काजू खाओगे, की खाओगे, तो ऐसे करके मैं गुरुजी को टच करके और मैं खा लेती। तो जब उनको कभी गुरुजी ने जलंधर बुलाया होगा, वहां जाने का मौका मिला होगा, गुरुजी बुलाते रहते थे जो उस समय की संगत थी, तो कभी कभी मैसेज भेज के बुला लिया करते थे। जब वो आंटी वहां गई तो गुरुजी आंटी को कहते हैं कि आंटी की मखोल बनाया हो यार, हाँ सवेरे उठ दिए नहा दिए और कहती है गुरु जी ये खा लो, गुरु जी वो खा लो, गुरु जी ये खाओगे वो खाओगे, कभी काजू कभी
बादाम पिस्ता करती रहती है और फिर अपने मुंह च पा लेती है। तुसी लोग मैनू की दे सकते हो, जो तुहाडा मन करता वो खा लिया और मैनू टच करके मेरा दिता हुआ तुसी मैनू की दे सकते हो, मैनू कुछ भी नहीं दे सकते। तुहाडा है ही की, जे तुहाडा बहुत मन करे तो कदी एक फुल रख दिया करो गुरुआं दे, बस इस तो ज्यादा करने की लोड़ नहीं है। तो गुरु जी ने इतने बड़े आंसर्स दिए कि वाकई में हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते और कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए। जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं, और कि उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी भावना होती है कि आज जी हमें तो बहुत ब्लेसिंग्स हो गई, और ब्लेसिंग्स मीन्स हम कुछ ले रहे हैं उनसे, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे और ना हम इस लायक हैं कि हम कर सकेंगे। गुरु जी इतनी बड़ी शक्ति हैं कि बस वो हमसे प्यार मांगते हैं, एक कनेक्शन मांगते हैं, इधर उधर भटको नहीं। गुरु जी ने कहा वैमो से निकलो बाहर, और बहुत सारी चीजों से गुरु जी ने निकलने के लिए बोला, बट हम लोग हैं वही फिर से वापिस उन्हीं उसमें जा रहे हैं। गुरु जी ने शब्द वाणी दी, गुरु जी ने कभी किसी भी रिलीजन को नहीं प्रमोट किया, पर हम मैं की कर रहे हैं भाई, क्यों? गुरु जी ने एक शब्द वाणी दी, उसको ही सुन ले ध्यान से, घंटा सवा घंटा गुरु जी ने बोला, आधा घंटा भी सुन लो जब सत्संग करते हो। गुरु जी ने घंटा सवा घंटा, गुरु जी ने नहीं बोला दो दो ढाई ढाई घंटे लगाओ या कुछ भी करो, बस इतने में ही कनेक्शन जोड़ लो, उसको समझो, उसकी वाइब्स को लो, क्योंकि उसके अंदर जो गुरुवाणी गुरु जी ने दी है शब्द वाणी, उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है जो गुरु जी ने इतना जोर दिया अपने वचनों से कि वो सुनो, अगर नहीं समझ आती कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उससे आपको हीलिंग पावर मिलती है। ये गुरु जी के वचन है, इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, इससे आपकी बहुत तकलीफें दूर होती हैं, पर हम हैं कि इधर उधर भटकते ही जा रहे हैं। तो गुरु जी के राह पर चलने और हम बहुत कुछ ले जाएंगे। और गुरु जी ने एक वो दिया, एक लंगर प्रसाद दिया, उसको श्रद्धा से खाओ, अगर हम श्रद्धा से खाएंगे तो वो हमारे लिए दवाई है, अगर हम उसको अनमने मन से खाएंगे कि हम तो खा रहे हैं तो वो मिठाई है, तो वो फिर असर नहीं करती। ये गुरु जी ने बोला है, उसको भाव से खाओगे तो वो दवाई है, और अदरवाइज तो जो भी गुरु जी प्रसाद देते थे, मिठाइयां भी देते थे कि मिठाई है। तो गुरु जी ने काफी कुछ दिखाया जो मैं कोशिश करूंगी, और गुरु जी बुलवा रहे हैं, और कि गुरु जी क्या है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के यहाँ आते रहते थे, कुछ ना कुछ गुरु जी की बात चलती ही रहती थी, तो मेरे क्लाइंट आए एक बार, बोले कि आज मैं आपके गुरुजी को मिला। मैंने कहा मेरे गुरुजी को मिले आप? मैंने कहा उनको कैसे जानते हो आप? कहते नहीं, जो आपके गले में स्वरूप है। और ऐसे एक गुरुजी ने स्वरूप और दिया था, मैंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ था, तो ये स्वरूप है, तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा आपको कहाँ मिले? बोले मॉल में। मैंने कहा गुरुजी मॉल में जाते हैं? तब मुझे विश्वास नहीं था कि मॉल में भी जाते हैं गुरुजी, तो मुझे ऐसे ही लगता था गुरुजी बस एम्पायर स्टेट में ही रहते हैं। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा वहां क्या कर रहे थे गुरुजी? बोले किसी के शोरूम की ओपनिंग कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा। उन दिनों दो मॉल खुले थे, सिटी सेंटर एंड एमजीएफ मॉल, तो बिल्कुल अक्रॉस द रोड थे। तो अर्ली 2002 की बात है, ये 2002-3 की है, तो उसी टाइम मॉल खुले थे, और पूरे इंडिया में आई थिंक कोई कहीं और मॉल नहीं थे, और दिल्ली में भी नहीं खुले थे, और सारी दिल्ली वहां आई हुई होती थी, बड़ा रश रहता था, और बीच में आप सड़क भी क्रॉस करके जा सकते थे। तो मैं ऐसी कह रही थी कि उस दिन और भी संगत आई हुई थी, तो मैंने यही बोला कि मैंने कहा कि अर्जुन अंकल भी थे, और उन्होंने बोला कि मुझे भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। कहाँ दिए? तो एक वहां पर होटल है, नाम बोल रही हूँ, कि उसके बाहर उनकी कार खड़ी थी, तो मैं अंदर चला गया तो गुरुजी वहां थे। अच्छा जी, किसी ने बोला कि एक बार किसी ने बोला कि हल्दीराम खुला था जयपुर हाईवे पे, तो वहां गुरुजी दिखे।
मैंने कहा लो सबको गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिखते गुरुजी। और उन दिनों मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने फिक्स कराई थी, तो हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे। मैं कहा हमें तो गुरुजी कहीं नहीं मिले। तो उस दिन क्या था कि मुझे सुबह ही निकलना था अपनी बेटी के साथ, और एक के ऊपर एक संगत आने लग गए और हम वहां बैठे गुरु जी की बातें करते रहे। और एक चीज और आई थी उसके अंदर कि मैंने जब मेरी मैं गुरु जी के पास आई थी, मेरी आई थ्रू नोज मैं सांस नहीं ले सकती थी, बिल्कुल बंद थी मेरी, और मुझे गुरु जी के फ्रेग्रेंस फिर भी आती थी। और जब गुरु जी ने मेरे को क्योर किया और मैं सांस ले सकती थी, तो मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी काफी टाइम से। तो मैंने अंकल को क्वेश्चन किया कि जब मेरी बिल्कुल इतनी सीवियर ब्लॉकेज थी, तब तो मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी, और अब मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती? तो वो अंकल चुप हो गए, कहते हैं आंटी इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये तो गुरु जी बताएंगे। तो चलो बात हो गई खत्म। तो शाम तक सब बैठे रहे, आते रहे, जाते रहे, करते रहे, और शाम हो गई। इतने में मेरा बेटा आया, जबकि हमने 11 बजे निकलना था। तो मैं मम्मा जी आपको तो आज बहुत जरूरी जाना था मामा के साथ, तो आप तो गए नहीं, बैठे हो। मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा मुझे खाने को कुछ दे दो, फिर मैं ही आपको ले चलता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो नियरली 6:30-7 का टाइम होगा, हम लोग निकले। जैसे ही मैं निकल रही थी तो मैंने बिजनेस शिफ्ट किया था, तो मैंने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे कि मुझे काफी क्लाइंट्स मिलते थे कि आप कहाँ शिफ्ट हो गए हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब मिलेंगे तो उनको दे दूंगी। फिर मैं कार में मेरा एक पैड था और बैठ रही थी और मुझे ध्यान आया। फिर मैंने कहा अरे छोड़ो अभी पहले शादी निपटाते हैं, बिजनेस फिर देखेंगे। और मैं बैठ गई। तो हम लोग गए और हम MGF के उधर पार्किंग होती थी और सिटी सेंटर के बाहर पार्किंग होती थी, अभी नीचे उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार नहीं थी। तो मेरे बेटे ने वहां से MGF ले गया हमको, और वहां पार्क करके हम जब मॉल में ऊपर आए और हमको सामने जाना था सिटी सेंटर, हमारा काम वहां था। तो मेरा बेटा एकदम लीवाइज वगैरह के शोरूम नाइके के खुले थे, तो कहने लगा मेरे साइज की शर्ट्स मिल जाएगी, तो चलो मैं देख लेता हूँ अब आए हुए हैं। तो फिर वो अपनी देखने लग गया, तो मैंने थोड़ा सा, मुझे था कि मैं बस सामने जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं, सामने जाऊं, पता नहीं क्या था, एक खींच थी जो जाने की। तो मैंने बोला रिची छोड़ना, तू तो अपने से आके देख लेना। कहते नहीं मम्मा आप साथ हो तो एक चॉइस भी हो जाती है ना, देखो ये शर्ट लगा के देखो ये वो। तो फिर एकदम कहता है अच्छा आप पैनिक हो रहे हो, तो पता नहीं क्यों हो रहे हो, अब तो देर भी हो गई, अब तो शोरूम भी बंद हो गया होगा, लाइक पापा हैं वहां, तो क्यों पैनिक हो रहे हो, देर तक मॉल खुला है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ बेटा क्या है, तो ठीक रहा, अच्छा तूने जो देखना है फटाफट देख फिर सामने चलते हैं। कहता नहीं नहीं अब आप कह रहे हो तो सामने ही चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं फिर ऐसे वो मेरे कंधे पे मुझे हक करके सामने ले जा रहा है। वो काफी बिग मेक है, लंबा 6'1" है मेरा बेटा। तो वो दूर से ही जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो एकदम कहता है कि मम्मा गुरुजी आपके गुरुजी खड़े हैं। मैं कहा बेटा मजाक नहीं करते ऐसे गुरुजी के लिए। कहते नहीं मम्मा सच कह रहा हूँ, सामने गुरुजी खड़े हैं, अभी रश है, बहुत लोग हैं, और आप आगे चलोगे तो आपको गुरुजी दिखेंगे, वो सिटी सेंटर की सीढ़ियों पे खड़े हैं। तो गुरुजी और बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम पास गए तो गुरुजी खड़े हैं वहाँ सीढ़ियों पे, वैसे के वैसे ही खड़े थे इतनी देर तक। तो एकदम हमने मुझे कहते हैं कि भाटी आंटी तू तो 11, 11:30 बजे आना सी, हुन इस टाइम किदा, तो सोचो वाकई में वो गुरुजी ने ही पूरा दिन बिजी रखा और गुरुजी ने ही मॉल में दर्शन देने थे, जो मैं बोल रही हूँ लोगों को कि आपको तो गुरुजी के दर्शन हो गए, मुझे तो होते नहीं। इतनी सी बात बोली और गुरुजी ने इतना बड़ा उसका रिवॉर्ड दिया। गुरुजी वहां खड़े हैं और कहते मैं इथे आया सी, मैं इथे गड्डी दी वेट कर रहा हूँ, ते कहते मैं शूज लैन आया सी, जूते लैन आया सी। तो वहाँ उस समय आई थिंक रिबॉक का आगे आगे शोरूम होता था, ऐसे गुरुजी ने इशारा किया पीछे को हाथ ले जाके कि मैं इथे जूते लैन आया सी। फिर गुरुजी ने अपना एक पाँव ऊपर किया, देख पर मैनू तो इथे कोई जूते पसंद ही नहीं आए। मैंने गुरुजी ने पांव ऊपर किया और उन्होंने वो शूज डाले हुए थे ब्लैक कलर के। तो मैंने कहा अरे गुरुजी ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर शूज तो हमारे शोरूम में है। मैंने कहा पर मेरी क्या औकात गुरुजी कि मैं आपको बोलूं कि मैं मेरे पास हैं ऐसे जूते,
और मैं आपको देना, जो मैं कौन हूँ आपको देने वाली, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और मैं बस आंखें नीचे करके, उनके गुरुजी ने ऐसे चरण ऊपर किया हुआ था, और मैं उनको देखी जा रही हूँ, मन ही मन सोची जा रही हूँ, और मैं बोली जा रही हूँ कि गुरुजी आप तो अंतर्यामी हो और आप मेरे मन की सारी बात समझ रहे हो, और मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े, गुरुजी ऐसा कुछ करो। तो फिर गुरुजी ने वहां खड़े खड़े बातें की बहुत, फिर मेरी बेटी को भी फिर व्याधि तैयारियां हो रही हैं ये वो, फिर कहते इतने शॉपिंग है बेकार, इतने कोई चजदा कम दी चीज नहीं मिलती। फिर उसके बाद बोला कि मेरी बेटी 5'3" है, वो 6'1" है, कहने वड्डी है ते बेटा छोटा है, बट लगता वो वड्डा है, छोटी है, उदी हाइट मार गया है, ऐसे करके गुरुजी बातें करते रहे काफी। और फिर घर का पूरा उन्होंने बता दिया, मैंने गुरुजी को बोला अब चलो, गुरुजी जब घर की बात करने लग गए तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो उत्थे गेड़ा मारी आया कई बारी, ते तेरा थल्ले ऐदा है, ऊपर ऐदा है, उत्थे ऐदा है, पूरा उन्होंने नक्शा में घर का, गुरुजी के घर का उन्होंने दे दिया। हम हैरान मंत्रमुग्ध होके उनको सुनते रहे, और वो मैं हाँ ना गुरु जी ने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। अब सोचो कि इतनी देर में उनकी कार आई, सामने कार पार्क होती थी, वहां से कहने चलो आंटी मेरी गड्डी आ गई, और भी बहुत बातें की गुरु जी ने, फिर कहने मेरी गड्डी आ गई चलो चलिए। तो गुरु जी, मैंने कहा अच्छा गुरु जी, हम उस मॉल को फेस कर रहे थे और गुरु जी बाहर की तरफ फेस कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल ब्लैंक, और मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक थी, और चल पड़ी अंदर। तो अंदर गए और काफी अंदर जाके जहाँ काम था, कुछ इसने लहंगे के साथ की ज्वेलरी मैच करनी थी, तो वहां पहुंचे, और पूरे रास्ते हम तीनों यही कि गुरुजी मिल गए, मम्मा ये मम्मा वो। फिर मेरा बेटा कहता है मम्मा गुरुजी इतनी बातें कर रहे थे आपसे, और आपके बस हाँ ना में आप जवाब दे रहे थे, आप तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए थे, तो आप कम से कम उनसे ये तो पूछ लेते कि मैं हायर स्टडीज के लिए कैनेडा जाऊं या मैं अमेरिका जाऊं। तो मैंने कहा रचित तूने मेरी हालत देखी थी और मैं नहीं पूछ पाई, क्या करती मैं, कहते इतना गुरुजी बातें कर रहे हो आप जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। मैंने कहा मिल गए ना गुरुजी, गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी इतनी देर साथ खड़े रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। कहता हाँ सच में मम्मा, बेटी भी, फिर मेरी बेटी कहने लगी नहीं मैं तो अब शॉपिंग करूंगी नहीं आज, तो मेरे तो गुरुजी मिल गए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब आए हैं तो कुछ तो देख ले, वैसे ही पूरा दिन आज वैसे हो गया और टाइम भी नहीं है। बोली नहीं मैंने आज करनी नहीं है मम्मा। तो करते करते हम वैसे शोरूम के पास पहुंच गए, और फिर मेरा बेटा उसको बोलता है देख बेटा भावना ये अब ले ले जो लेना है, ये इसके साथ ही मैचिंग उसके गले में लगा रहा है ये वो कर रहा, बट मेरा कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुरुजी ने बोला भी इतने शॉपिंग बेकार है तो मैंने यहाँ से नहीं करनी है। तो फिर एकदम मेरा बेटा कहता है मुझे कि मम्मा आपने बड़ी एक वियर्ड सी बात की। मैंने कहा क्या किया मैंने बेटा? तो कहता है कि जब गुरुजी जा रहे थे गुरुजी ने बोला अच्छा आंटी चलिए गड्डी आ गई, तो आप सीधा अपना अंदर आ गए, कम से कम गुरुजी को बैठते देखते, उनको गाड़ी में उनके चरण छूते, सी ऑफ करते। तो मैंने कहा हाँ रचित ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कहा चल अभी चलते हैं भाग के वहां चलते। कहते मम्मा वो तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए होंगे, पता कितना टाइम हो गया। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, जहाँ गुरुजी खड़े थे वहीं जाके खड़े होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। जैसे ही हम उस पॉइंट पे आते हैं तो एकदम मेरा बेटा कहता है कि मम्मा गुरुजी। मैंने कहा रचित फिर मजाक कर रहा है, कहते मम्मा देखो एग्जिट, उन दिनों एग्जिट वहीं होती थी फ्रंट में, आगे जाकर सिक्योरिटी वहीं होती थी, एग्जिट वहीं होती थी, एग्जिट पॉइंट वहां होता था। तो गुरुजी सबसे आगे गुरुजी की कार है, उसके पीछे 6-7 कारें तो होंगी होंगी आराम से, उस जगह को अगर आज जाकर ध्यान से देखा जाए तो 7-8 भी हो सकती हैं, 9-10 भी हो सकती हैं। फिर एल शेप में उस साइड में जहां तक आपकी नजर जाए कारें कारें थी, और गुरुजी एग्जिट पे खड़े हैं और हम वहां पर इतनी दूर खड़े हैं सीढ़ियों में सिटी सेंटर की, और गुरुजी को हम देख रहे हैं, गुरुजी के कार में जहाँ गुरुजी पीछे बैठे हैं, गुरुजी का पूरा ऑरा जो है उसमें लाइट है, जहाँ गुरुजी जितनी जगह पे बैठे हैं वो पूरी लाइट शेप में उनकी वो बैठे हैं, और अंधेरा हो चुका था तब तक,
और हम गुरु जी को देख रहे हैं और इतनी दूर हैं, और इतने में गुरु जी अपना शटर खोलते हैं शीशा कार का और मुझे आवाज लगाते हैं भाटी आंटी थे। और मैं उतनी दूर से चल के उनकी कार तक जाती हूँ। पहले तो वहां से वहां तक आवाज आनी और पूरी दुनिया एक इट वाज लाइक अ फिश मार्केट, और गुरुजी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। एग्जिट पे गुरुजी की कार है, इमेजिन करो संगत जी, कोई पैनिक नहीं, कोई हॉर्न नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी दुनिया रोक दी उन्होंने। और वहां से मुझे बुला रहे हैं और मुझे वहां तक इतनी दूर तक आवाज आ रही है, बच्चों को भी आ रही है, और मैं चल करके मम्मा जाओ जाओ आपको बुला रही, मैं चलकर जाती हूँ, गुरुजी तक पहुंचती हूँ। गुरुजी का शीशा खुला हुआ है कार का, गुरुजी पी है कार का, और मुझे बोलते हैं गुरुजी की भाटी आंटी बिजनेस कर दी है, ते विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं, ते चक्के नहीं चलती, कस्टमर मगरे लगे रहते हैं कितने शिफ्ट कर गई कितने शिफ्ट कर गई, ते अज भी तेरे बैग विच विजिटिंग कार्ड नहीं आ गए। ओ माई गॉड, गुरुजी को कैसे पता कि मेरे बैग में विजिटिंग कार्ड नहीं है? दूसरा गुरुजी ने बोला, फिर अंकल ने मोबाइल लेके देता है, उन दिनों मोबाइल वाज अ बिग लग्जरी, अंकल ने मोबाइल लेके देता है तो वो चक्के नहीं चलती, आज भी तुकारी चढ़ी आई है, मतलब मेरे बैग में मोबाइल नहीं है, गुरुजी को पता है मुझे नहीं पता। और अंकल पैनिक होता रहता है कि ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, वो पता नहीं किन्ने ही फोन कर चुके होना, और तू तेरे को फोन ही नहीं है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, भूल गई गाड़ी, कहते तू चक्के नहीं चल, भूल ही जानती है फोन, फिर अच्छा चल नंबर ही याद होगा तो नंबर ही दस दे। तो साथ में गुरु जी के जोशी अंकल बैठे थे, मैं गुरु जी के आगे खड़ी हूँ, और साथ में जैसे पीछे की सीट पे दो जने बैठते हैं, वहां जोशी अंकल, चल अंकल जला जरा पेन ते पेपर कड़ी लिख आंटी का नंबर, तो अब वो पेपर पेन निकाल रहे हैं ढूंढ रहे हैं और उनको मिलता है, और मैं ऐसे गुरुजी के बिल्कुल, मेरा मुंह आधा शीशे के अंदर आधा बाहर, गुरुजी के बिल्कुल साथ में मैं खड़ी हूँ, और मैं नंबर डरते डरते, मुझे नया मोबाइल है, अपना मोबाइल नंबर याद भी नहीं होता किसी को, और मैं अटक अटक के बोल रही हूँ और गुरुजी उसको पूरा कर रहे हैं। फिर गुरुजी कहने चल फिर कल विजिटिंग कार्ड ले आई, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, जब एम्पायर स्टेट आएंगी, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, और मैं नंबर लिखवा रही हूँ वहां पर। संगत जी इतनी देर आप सोचो कि पूरी दुनिया के मालिक ने पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले लिया था, अपनी मुट्ठी में ले लिया था, कोई पैनिक नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई, और गुरुजी ने कम से कम नहीं तो, अगर हम जब गुरुजी हमको मिले अपनी कार में बैठे, फिर हम लोग अंदर गए, अंदर पूरा हमने कुछ देखा, फिर बाहर आए, फिर वहां खड़े हुए, फिर गुरुजी ने बुलाया, फिर इतनी बातें की, मैं चल के गई, नियरली हाफ एन आवर के लिए उन्होंने पूरा संसार रोक दिया था, पूरा संसार आंखों के आगे, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये साक्षात गुरुजी के फिजिकल स्वरूप में होने का सत्संग है। और बाद गुरुजी फिर चले गए, और मैंने बेटे को बोला चल फिर हम क्रॉस द रोड चढ़ते हैं, गुरुजी वहां से आएंगे, बोला मामा वहां तो यू टर्न है ही नहीं, वो बंद किया हुआ है। तो फिर कहता है, उसके नेक्स्ट ही बोलता है, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चलो आप कह रहे हो तो चलते हैं। तो हम उस साइड चले जाते हैं और गुरुजी वहां से निकलते हैं, इसे वेव करते हो, तो एक गुरुजी है, हम उस साइड गए, टर्न था ही नहीं।